कलेक्टर और एसपी ने मुख्यमंत्री को होने वाले कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। सीएम कल करेंगे निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट 30 तारीख को यहाँ पर ड्यू है और एक साइंस सेंटर का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री एरिया के दो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जिनका भूमि पूजन होगा। दामनोट कृषि उपज मंडी हुई शुरू। आंदोलन के बाद किसान प्रशासन और व्यापारियों के बीच बनी सहमति। नीलामी कार्य नहीं होने से बंद थी मंडी। कीचड़ भरे रास्ते से अस्पताल जाने को मजबूर रहवासी। मरीजों की हो रही फजीहत। प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण हो रहे परेशान। हॉस्पिटल का आना जाना डेली लगा रहता है, दोनों टाइम आना जाना लगा रहता है। ऐसी स्थिति है कि पैदल आदमी यहाँ से निकल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति बन गई रोड की तो निकलने में बहुत परेशानी हो रही। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ये है, मतलब घुटने घुटने बराबर। छिंदवाड़ा मोड़न रस्ते की फर्नीचर मार्ट पर दबिश। 98 नग अवैध सागौन बरामद। 50,000 रुपए की बताई जा रही सागौन की कीमत। हमें पिछले साल के जनरेशन में सूचना प्राप्त है लक्ष्मण देशमुख के यहाँ रात्रि में अवैध पितरों का उद्धार करने किया जा रहा श्राद्ध। नदियों के किनारे पितरों को जल अर्पित करने लोगों की लग रही भीड़। मंत्रों के साथ किया जा रहा तर्पण। वैसे तो 16 दिन का प्रोग्राम होता कार्यक्रम है लेकिन इस बार 17 दिन का है। एक दिन की तिथि बढ़ने के कारण गुमशुदा विवाहिता की एसडीएम न्यायालय में पेशी के दौरान हुआ हंगामा। महिला को बच्चे सौंपे जाने से पति था नाराज। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बरना थाने का मेटर था, एसडीएम कार्यालय में बयान के लिए लाए थे महिला को और उसकी पहले शादी हुई थी, वहाँ से दूसरी जगह शादी कर रही थी। तो उनके जो पहले शादी थे उनके पति आए थे। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा शासन की योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से भी वंचित लोग। प्रशासन से मदद की आस। परेशानी क्या है तुम्हें? नहीं मिली हमें परेशानी तो बेटा नहीं मिली का। महंगाई, बेरोजगारियों, किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जिले में बड़ी संख्या में पकड़ाई अवैध शराब। पुलिस ने 1,00,000 से अधिक की शराब की जब्त। सीएसपी थाना प्रभारी ने मिलकर की कार्रवाई। घर पे ही उसके घर से ही पकड़े हैं। घर में ऊपर तरफ में एक अलग कमरा बना हुआ था जिसमें ताला लगा था। इससे पहले कर चुके हैं। पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित ने खाया जहर। परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। आपस में निपटा लोगे कि इसका कार्यवाही होगा? तो मैं बोला कार्यवाही वार्यवाही कुछ नहीं करेंगे सर, आपस में जो भी होता है बना लीजिए, गरीब आदमी हूँ। तो बोले कि कितना दोगे? बोले बेगाने बचपन को हिंसा की भट्टी में झोंक रहे नक्सली। गिल्ली डंडा और गेड़ी चढ़ने की उम्र में नक्सली नन्हे हथियारों में हथियार थमाकर उनका बचपन छीन रहे। दंतेवाड़ा में 2013 से लेकर 2021 के बीच में 41 इनामी माओवादियों का एक सर्वे कराया गया। 10 आइटम स्केल में सर्वे कराया गया जिसमें कि जो कि नक्सली संस्था में। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। विभागीय कार्यों की समीक्षा की। सरकार की योजनाओं के अधिकारियों ने ली जानकारी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
एक किसान पुत्र माननीय भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार जिस हिसाब से छोटे तबके के लोगों के लिए रोजगार का एक नया